मुल्क भर में ईद उल अजहा की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया और कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। ईद उल अजहा सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। बहुत से शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए कुर्बानी का जानवर खरीद लिया और जो रहते हैं वो खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर देखकर ही दिल पशोरी कर रहे हैं। हमारा रेट हुआ है, हमने एक उधर से वैड़ा लिया है, अब हम बकरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत तेज है। हर बंदा जो है 1 लाख से ऊपर ऊपर ही पैसे मांगता है, चाहे उसका जानवर 80,000 का हो, मांगता है 1 लाख से ऊपर ही है। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ चुकी हैं और व्यापारी आखिरी रोज का फायदा उठाते हुए खरीदारों की खाल उतारने में मसरूफ हैं। दफा जो काफी बेहतर रहे हैं और देखें आप मंडी में देख रहे हैं कि जानवर बिल्कुल नहीं है, जानवरों से ज्यादा गाहक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफी बेहतर गई है मंडी, काफी बेहतर। कराची हो या हैदराबाद, पिशावर हो या कोयटा, बच्चों ने कुर्बानी के जानवर दिन भर टहलाने की ठान ली है, क्योंकि एक रोज बाद उनके पसंदीदा जानवर ने अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है।